वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि पुरुष बाहर के काम संभाले और स्त्री घर के। यदि दोनों की भूमिकाओं को पलट दिया जाए तो आर बाल्की की फिल्म की एंड का इसी विचार पर आधारित है। कबीर अपनी माँ की तरह बनना चाहता है, उसे घर की जिम्मेदारी उठाना पसंद है, इसे वह कला मानता है। किया महत्वाकांक्षी महिला है, वह अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है। दोनों में प्रेम विवाह होता है। खाना पकाना, साफ सफाई और घरेलू काम कबीर करता है। वह अपनी पत्नी के लिए सुबह कॉफी बनाता है और शाम को उसके घर आने की राह देखता है। दूसरी ओर पैसा कमाने का काम किया करती है। पर आपकी कंफ्यूजन समझ सकता, घर संभाले तो की, बाहर जाकर काम करे तो का, अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तानी सभ्यता। दो लाइन की कहानी पर स्क्रिप्ट लिखना आसान नहीं था। इंटरवल तक फिल्म अच्छी लगती है। कबीर और किया की बातचीत सुनने लायक है और इस दौरान कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिनमें मनोरंजन का स्तर ऊंचा है। इंटरवल के समय उत्सुकता जागती है कि विचार तो बेहतरीन है, अब कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। दूसरे हाफ में फिल्म लड़खड़ाती है और बड़ी हुई अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाती, इसके बावजूद दर्शकों को बांध कर रखती है। कहानी में तब और गहराई आती जब दिखाया जाता कि किया माँ बनती और बच्चों की परवरिश करती, तब क्या होता। मैं अपनी माँ जैसा बनना चाहता। कौन थी तेरी मॉम यार? She was a housewife. क्या? लेखन के बजाय आर बाल्की अपने निर्देशन से ज्यादा प्रभावित करते हैं। बतौर लेखक उनके पास सिर्फ विचार था जिसे दृश्यों के माध्यम से उन्होंने फैलाया। इस पर उन्हें खासी मेहनत करना पड़ी। कई छोटे मोटे लम्हे उन्होंने बखूबी रचे हैं और फिल्म की ताजगी को बरकरार रखा है। सिर्फ वेस्ट क्यों करना चाहते हो किसी का हस्बैंड बन के? हस्बैंड नहीं, ये मेरी वाइफ बनना चाहता है। फिल्म में लीड कलाकारों का अभिनय दर्शकों को फिल्म से जोड़ कर रखता है। करीना कपूर का अभिनय बढ़िया है, उन्होंने अपने किरदार को ठीक से समझा और वैसा ही परफॉर्म किया है। अर्जुन कपूर के साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगती है। अर्जुन कपूर की एक्टिंग कुछ दृश्यों में अच्छी तो कुछ में कमजोर है। स्वरूप संपत लंबे समय बाद नजर आई और वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का छोटे से रोल में अच्छा उपयोग किया गया है। पागल हो गए हो तुम? औरत की कमाई पर जियोगे? मर्द हो तुम? अगर भूल गए तो अंदर जाकर चड्डी उतार के एक बार चेक कर लो। फिल्म के संवाद गुदगुदाते हैं, कुछ गाने अच्छे भी हैं। एक उम्दा विचार पर बनाई गई की एंड का और अच्छी हो सकती थी, बावजूद इसके देखी जा सकती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।